आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेस की ओर से आप पढ़ रहे हैं ऋण पत्र। इस वीडियो के माध्यम से ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको निर्गमन बताया, प्रश्न आपके सामने है जो कि दिख रहा है आपके सामने। प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित सूचनाओं के लिए आवश्यक जर्नल लेखे कंपनी की पुस्तकों में कीजिए। उसके बाद कहता है, मान लीजिए ऋण पत्रों का अंकित मूल्य 100 रुपया। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। 100 रुपया लिखा हुआ है ऋण पत्र पर, ठीक है। पहला कहता है, यह ऋण पत्र 100 रुपये पर निर्गमित किया गया, इसका शोधन 110 रुपये पर करना है। पहला नंबर आपको एक एक करके लिखना है। यह ऋण पत्र अपनी कॉपी में आप लिख ले, 100 रुपये में निर्गमित किया गया। निर्गमित का मतलब जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो 100 रुपया लेती है। शोधन, शोधन का मतलब होता है पैसा वापस करना। पेपर में पूछा जाता है ऋण पत्रों के शोधन से क्या आशय। शोधन 110 रुपया करना है। मैंने आपको कुछ एंट्रियां बताई हैं पिछली क्लास के माध्यम से। एंट्री याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो और ठीक है। 100 रुपये मतलब सम मूल्य, इसे कहते हैं जितने रुपए का निर्गमन, जितने रुपए का है उतने में बिकेगा, तो इसे बोलेंगे सम मूल्य। सम का मतलब 100 रुपया पर निर्गमन। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया है सम मूल्य पर निर्गमन। शोधन 110 करना है। जब अंकित मूल्य से ज़्यादा पर निर्गमन शोधन किया जाए, अंकित मूल्य से ज़्यादा, किसी से 100 रुपया लिया आपने, देना है 110। जो ज़्यादा देना है उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रव्याजी। प्रीमियम पर शोधन। यह प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आपको एंट्री लिखनी है, मैंने यही एंट्री लिखाई है, बैंक अकाउंट डेबिट, सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। देखो मैंने लिखा ही है एंट्री, मैंने आपने नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए, उसमें क्या है? यही तो मैंने बोला, आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए सम मूल्य पर निर्गमन प्रीमियम पर शोधन की एंट्री क्या होती है। भैया किसी से हमने लिया 100 रुपया और वापस करेंगे 110 रुपया, 10 रुपया घाटा है कि नहीं? मिला गए रुपया, जय रुपया मिला, बैंक के सामने लिख दो। कितना फालतू, और सामान कितने का गया हमारे पास से? 100 रुपये का हमारा डिबेंचर है, 100 रुपये का डिबेंचर गया, कई रुपया फालतू है, 10 रुपया फालतू है ना। केहू से आप लीजिए 100 रुपया, देंगे 110 रुपया, 10 रुपया क्या है आपका? घाटा है। तो लिख देंगे 10 यहाँ 10 यहाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपया, प्रीमियम 10 रुपया। नरेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बींग डिबेंचर इशूड एट पार, इशूड मतलब पार मतलब सम मूल्य पर निर्गमन, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब, प्रीमियम का मतलब ज़्यादा पर। ये आपकी एंट्री होती है सम मूल्य पर निर्गमन प्रीमियम पर शोधन। इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिखें, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा नंबर, ठीक है। एक एक करके लिखते चलिए, हम आपको बताते चलते हैं। देखिए पहला मैंने आपको बता दिया सम मूल्य पर निर्गमन प्रीमियम पर शोधन। एंट्री अगर आपने नहीं लिखा है तो एंट्री आप लिख लेंगे, यही एंट्री होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगला नंबर बी नंबर कहता है, आप प्रश्न में देख सकते हैं, कहता है
यह ऋण पत्र 110 रुपए में निर्गमित किया गया, इसका शोधन 100 रुपया किया गया। यह ऋण पत्र 110 रुपए में निर्गमन, उसके बाद सममूल्य पर शोधन। 110 रुपए में सममूल्य का मतलब 100 रुपया। किसी से हमने, हमारी कंपनी ने 110 रुपया लिया, उसको बाद में जब वापस करना होगा तो कितना? 100 रुपया वापस करेगी। तो मैंने आपको एंट्री लिखाया है, प्रीमियम पर निर्गमन, सम मूल्य पर शोधन, बैंक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का मतलब 110 रुपया आएगा, 2% डिबेंचर अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 10 रुपया यहाँ पर, 100 रुपया यहाँ पर। नरेशन कर दिया जाएगा, बीइंग परसेंटेज डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में 100 पहले था और 110 बाद में था, इसमें 110 पहले है। पैसा आएगा, डिबेंचर चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि फायदा है। अब आपके सामने है दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कह रहा है, यह ऋण पत्र 105 रुपए पे निर्गमन, इसका शोधन 95 पे। यह ऋण पत्र 105 पे निर्गमन, 105 रुपए पे निर्गमन मतलब ज्यादा का निर्गमन, शोधन 95 रुपया, मतलब ज्यादा रुपया दे, नहीं लिया ज्यादा, देंगे कम, वापस करेंगे कम। फिर से पढ़ लेते हैं, निर्गमन 105 पे, शोधन करना है 95 पे। तो आपके लिए एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा? 105 ना, लिखा जाएगा 2। डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपए का डिबेंचर गया? 100 रुपए का। 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम का रुपया है 5 रुपया। यही आपकी एंट्री होगी, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। नरेशन होगा, बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। इसे लिखें, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं एक और एंट्री भी है। पहला, दूसरा और तीसरा के बाद अब आपको ध्यान देना है चौथा। चौथा क्या कहता है? जो प्रश्न कहता है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। प्रश्न हमारा है उसी में है चौथा पॉइंट, कह रहा है यह ऋण पत्र 95 रुपए की दर से निर्गमित किया गया, 95, इसका शोधन 105 रुपया देना है। भैया 100 रुपये एक समान है हमारा, और केहू से हम 95 रुपया लेकर के दे दिए समान 100 का, पहली बात लेते समय के रुपया घाटा? 5 रुपया, और जब दे तब का एक रुपया घाटा? 5 रुपया, तब वो घाटा। लेते समय 5 रुपया, 100 रुपये का सामान है, देखो 100 रुपये का सामान लेते समय 5 रुपया घाटा, देते समय 5 रुपया घाटा। तो एंट्री क्या होगी इसके लिए? हेडिंग कटौती पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन। एंट्री मैंने लिखवाया है, नहीं आपने लिखा है तो बता ही रहे, लिख लीजिए कॉपी में। लेते समय 5 घाटा, देते समय 5 घाटा, लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट।
टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखिए लेते समय भैया 95 रुपये हमारी जेब में आएगा, बैंक में आएगा, छूट मैंने कितना दिया 5 रुपया, एक घाटा ये है, ये वाला घाटा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कई रुपया 5 रुपया घाटा। डिबेंचर कई रुपये का रहता है 100 रुपये का, प्रीमियम कितना है 5 रुपया। देखो क्रेडिट 105 होना चाहिए, डेबिट भी 105 होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए हमेशा। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग परसेंटेज डिबेंचर इशूड एट पार एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। समझ रहे हैं? फिर से कटौती पर निर्गमन, 95 रुपया आएगा, 100 रुपये का सामान 95 रुपये में जा रहा है, डिस्काउंट कितना 5 रुपया लेते समय, और जब जाएगा तो 5 रुपया फालतू जाएगा, हमारा हानि है, दो हानि हो गई, दोनों का पैसा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिख सकते हैं। तो 10 रुपया लिखना चाहें तो ये हेडिंग ना लिखे, डिस्काउंट वाली दोनों का पैसा इसमें 10 रुपये लिख सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद वाली वीडियो में एक और क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं।